आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, एक ही फेज में 22 किलोमीटर की यात्रा होगी। राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। चीन से झड़प के बीच भारत के ब्रह्मास्त्र की टेस्टिंग, अग्नि 5 में 5000 किलोमीटर के टारगेट को ध्वस्त किया। जयशंकर बोले, सांप पालने वालों आप भी इसे जाओगे। पाकिस्तान की मंत्री हीना रब्बानी को देश मंत्री का जवाब। फर्नांडो संतोस अब नहीं रहेंगे पुर्तगाल के कोच, क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद होगा बदलाव। अमिताभ बच्चन ने नागरिक आजादी पर सवाल उठाए, ममता बोली ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आज भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान का विभाजन कर नया राष्ट्र बांग्लादेश का जन्मा था। पूरे इतिहास में सेना का बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ था। बता दें 1971 में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे पीएम मोदी। बता दें आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। बता दें भारतीय सेना ने पाक सेना को आज मुंहतोड़ जवाब दिया था। बता दें प्रधानमंत्री मोदी स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। बता दें समारोह की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। 1971 में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक, आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बता दें भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ है आज। बता दें समारोह की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ है आज। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, भारत पाक युद्ध की आज 50वीं वर्षगांठ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बता दें जानकारी के मुताबिक आज के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। बता दें भारत के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, भारत और पाक युद्ध का आज 50वीं वर्षगांठ है, भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, उस समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी,
जिनके मजबूत नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और एक टुकड़ा बांग्लादेश और दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया था। इस युद्ध की शुरुआत जो है पाकिस्तान जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक पूर्वी पाकिस्तान एक और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से वो चीज़ जानी जाती थी। तो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है तो पाकिस्तान की जो सरकार थी, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, वो पूर्वी पाकिस्तान पे जुर्म करती थी, जाति करती थी, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करती थी। और जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुद्दीन, उनका नेतृत्व था पूर्वी पाकिस्तान को। और जब एक बार जब चुनाव हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के नेता चुने गए थे, तो इससे पाकिस्तान की आर्मी और जो दूसरे नेता थे वो काफ़ी नाराज थे और उनको हटाने के लिए वो षड्यंत्र रखते थे। और दोनों जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जब ये विवाद हुआ, लड़ाई हुई, तो ये बहुत व्यापक स्तर पर विवाद होने लगा। और जो पाकिस्तान की आर्मी थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को प्रताड़ित करना, मारना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो उस समय जो है बांग्लादेश के जो नेता थे वो भारत से मदद मांग रहे थे, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान के लोग वहां से पलायन करके भारत की तरफ आ रहे थे और भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी कि इतने बड़ी संख्या में अगर पलायन करके कोई पड़ोसी देश का लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सैन्य क्षमता, अपने अच्छे नेतृत्व की बदौलत जो है सैम मानेक शाह उस समय सेना प्रमुख थे। तो जब ये युद्ध हुआ 1971 में भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में जाना गया और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान के रूप में जाना गया। तो उसकी आज 91वीं जो है वो 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वर्णिम मशाल जो है आज दिल्ली के वार मेमोरियल में प्रधानमंत्री जला जलाई जाएगी। इस कार्यक्रम को स्वर्णिम विजय वर्षा कहा जाता है। प्रधानमंत्री के अलावा मयूरी यहाँ पे राजनाथ सिंह और तीनों आर्मी के प्रमुख भी रहेंगे, जो उन शहादत उन शहीदों को सम्मान देंगे, उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखेंगे, जो जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी शहादत दी थी। मयूरी विवेक, आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय सेना ने पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसी को लेकर आज समारोह का कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे और सभी शहीदों को सम्मान देंगे जिन्होंने 1971 की बड़ी जंग में अपनी शहादत दी थी और भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा करके पाकिस्तान को हराया था। यही नहीं, करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर भी कराया गया था। पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर करने पर मजबूत हो गए थे। शुरुआती युद्ध में हम मजबूत स्थिति में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने वीरतापूर्व साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान को धूल चटा दी। अगर बात करें तो अमेरिका भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अमेरिका जो है वो जल के रास्ते जो है अपनी जहाज भेज रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। इस बीच रूस ने हमारी मदद की थी, जिसकी वजह से हम इस युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे और 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर भी किया था। और आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है मयूरी, और पूरे 51 साल पूरे हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिपिन रावत समेत तीनों ही जो सेनाएं हैं उनके प्रमुख यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम मशाल जला के वार मेमोरियल में इसका उद्घाटन करेंगे और सभी जो शहीद हुए हैं, जितने भी लोगों ने शहादत दी है 1971 की जंग में, उनको याद करेंगे, उनको सम्मान देंगे। मेमोरी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी में आज तमिल संगमम के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे और गृह मंत्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव के दर्शन पूजन करने भी जा सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान घाट स्थित तमिलनाडु के राष्ट्रकवि रहे सुब्रमण्यम भारती के घर भी जा सकते हैं। बता दें कि गृह मंत्री इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर कमल मंथन करते हुए एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज काशी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज? देखिए मेमोरी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो आज बनारस के दौरे पे हैं। और बनारस में बीएचयू में जो कार्यक्रम जो है वो काशी तमिल संगमम के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पे उनकी मौजूदगी आज रहेगी। और तमिलनाडु की जो पुरानी परंपरा है और काशी से संस्कृत का जो जुड़ाव है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो है इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। और ये भी कहा जाता है कि उससे भी पुरानी भाषा जो है वो तमिल है। तो जो तमिलनाडु की पुरानी परंपरा है, पुरानी संस्कृति और काशी से जो संस्कृत का जुड़ाव है, उस पर एक कार्यक्रम है जिसका नाम काशी तमिल संगमम रखा गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ही मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों ही शिरकत लेंगे। विवेक, ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, कहा जा रहा है गृह मंत्री इस दौरान निकाय चुनाव से भी जुड़ी मंथन करेंगे, तो क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? देखिए, ये बनारस का दौरा है और बनारस जो है वो भारत के लिए बेहद खास है। पुराने समय से ये बेहद खास रहा है, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तब से बनारस की जो है एक अलग पहचान विश्व भर में बनी है। भूपेंद्र चौधरी और अमित शाह का इस कार्यक्रम में शिरकत लेना ये सहयोग नहीं है, बल्कि आने वाले जो निकाय चुनाव है उसकी रणनीति पे ही बात करेंगे। क्योंकि जो नगर निगम चुनाव पिछली बार हुआ था, कुल 16 सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, और इस बार एक सीट बढ़ा करके नगर निगम की जो 17 सीटें कर दी गई हैं। तो अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है, आने वाले निकाय चुनाव को बड़े ही गंभीरता से ले रही है। और हमने देखा कि किस तरह लखनऊ में आए दिन लगातार बैठकें होती रहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हो, चाहे वो सीएम आवास पे हो, चाहे वो लोक भवन में कोई भी कार्यक्रम हो, तो लगातार बैठकें चल रही थी। और इसी सिलसिले में जो है अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, निकाय चुनाव की रणनीति भी तैयार करेंगे और प्रमुख एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। मयूरी, विवेक, वाराणसी में आज तमिल संगमम के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और बाहर से कलाकारों के आने की बात कही गई है, तो कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो है तमिल काशी संगमम कार्यक्रम है, जहाँ पे गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, उनके समान जो है राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भी रहेंगे, और तमाम बड़े कलाकार जो है वहाँ पे आएंगे। इस दौरान वो उनके घर भी जा सकते हैं राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम के, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमान घाट पे वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम ये आयोजित किए जाते हैं। और जो बनारस के अलावा जो तमिल के, क्योंकि बनारस काशी और तमिल दोनों के ये सम्मेलन का जो कार्यक्रम है, तो बनारस के अलावा जो बनारस के कलाकार हैं और तमिल के जो कलाकार थे उनकी मौजूदगी रहेगी, अपने अपने लोकगीत वहां पे प्रस्तुत किए जाएंगे। और इस दौरान ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो निकाय चुनाव को लेकर जो महापौर का चेहरा है, मेयर का चेहरा है, वो भी उस पर भी आज सहमति बन सकती है कि कौन जो है मेयर का पद का प्रत्याशी हो सकता है। बाकी बनारस के जो कलाकार हैं, जो लोकल कलाकार हैं, जो नामी कलाकार हैं और जो तमिल के जो कलाकार हैं, वो अपनी अपनी प्रस्तुति इस समापन समारोह में देंगे। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज लोक भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम योगी चयनित 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें कि 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। राजधानी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर अंधेरा लगातार कायम है। आपको बता दें कि रिंग रोड स्थित टेढ़ी पुलिया चौराहे पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है और जो लगी है वह महीनों से बंद पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कोई भी जिम्मेदार इस चौराहे पर लाइट लगाने की सुध नहीं ले रहा है, जबकि इस चौराहे पर हजारों वाहनों का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे में
आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इसको लेकर प्राइम टीवी ने अंधेरे में डूबे इस चौराहे का जायजा लिया। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, लेकिन जरा संभल कर। आज हम जिस चौराहे पे खड़े हैं उसका नाम है टेढ़ी पुलिया चौराहा। ये दो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक गुड़म्बा थाना क्षेत्र और दूसरा विकास नगर थाना क्षेत्र। ये रिंग रोड कहलाता है और रिंग रोड पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इतना व्यस्त चौराहा है, और व्यस्त चौराहा होने के बावजूद भी इस चौराहे पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर पे जो लाइट लगी हुई है वो लाइट भी कई महीनों से बंद पड़ी है। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि फ्लाईओवर के ऊपर जो लाइट लगाई गई है उसको भी दिखाने की कोशिश करें कि वो कितने दिन से बंद पड़ी हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर जो भी लाइट लगाई गई है वो काफी दिनों से बंद पड़ी है। नतीजा यहाँ पर सिफर है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे चौराहे पे किस तरीके से अंधेरे का माहौल बना हुआ है, जबकि यहाँ से हजारों लाखों लोग डेली गुजरते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर ना तो नगर निगम विभाग इसकी सुध ले रहा है और ना ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अगर बात की जा रही है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो सेतु निगम है ये जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उनसे बात किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं ये मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है, और मार्ग प्रकाश व्यवस्थापक से या उनके जो अधिशासी अभियंता उनसे बात करने पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था विद्युत विभाग की है। तो अब किसके पड़ने में ये व्यवस्थाएं रहेंगी। हालांकि लखनऊ स्मार्ट सिटी को मुंह चिढ़ाता हुआ ये टेढ़ी पुलिया चौराहा रिंग रोड का थाना विकास नगर और गुड़म्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरीके से अंधेरे का माहौल है, यहाँ पर ठंडक भी दस्तक दे चुका है, कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आखिर इस ऐसे मौके पर, ऐसे समय में जब एक चौराहे पे पूरी तरीके से अंधेरे का माहौल रहेगा तो किस तरीके से सावधानियां बरती जाएंगी, और किस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती है उस पर रोकथाम कैसे लगाई जाएगी। हालांकि अभी ना तो शासन और ना प्रशासन इस जगह के लिए सुध ले रहा है। प्राइम टीवी लगातार इस चीज को दिखाता आ रहा है, हर हफ्ते इस चौराहे के बारे में प्राइम टीवी दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अंधेरे का माहौल बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप चौराहे के चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधेरा है और एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगाई गई है। नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहे पे इतना व्यस्त चौराहा होने के बावजूद भी एक भी लाइट यहाँ पर नहीं लगाई गई है। बावजूद इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि किस तरह कैसे लखनऊ अब स्मार्ट सिटी बन पाएगा जब इतने व्यस्त चौराहे पर। हालांकि मंडलायुक्त ने भी इस बात को कह दिया था कि जहां जहां पर लाइटें नहीं होंगी, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, वहां पर लाइट लगाई जाएगी। फिलहाल यहां पे जो लाइटें लगी हुई हैं वो महीनों से बंद पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी आगे कि आखिर यहां पर लाइट जलती है, फिर से ये चौराहा जगमग होता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं इस चौराहे पे जिस तरीके से अंधेरे का माहौल है, ठंडक आने वाली है, कहीं ना कहीं भय का माहौल बनेगा और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। हरदोई में हरियावा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसोहा में किसानों ने अन्ना मवेशियों को बंद कर दिया, जिससे ओपीडी में आने वाले मरीजों में हड़कंप मच गया। पहले भी किसान नेता ने जूनियर विद्यालय खेरिया में मवेशियों को बंद कर दिया था। वहीं डीएम को ज्ञापन देकर किसानों ने गौशाला बनवाने और आवारा गौवंशों से निजात दिलाने की मांग की है। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक हल नहीं तब तक ऐसे ही होता रहेगा। क्या जानवरों चल रही है, इसके लिए परसों हमने खेरिया जूनियर हाई स्कूल में अपने नेतृत्व में जानवर जो है बंद किए थे, और वहाँ से वो डीसीएम से लदवा दिए गए, और कल मैंने डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि अब हम ग्राम पंचायत कुर्सेली के जितने ग्राम पंचायत कुर्सेली है और न्याय पंचायत भी है, सरकार के उसमें कागज पर जो है गौशाला बन गया है, लेकिन कहीं कुछ समस्या के आवारा पशु इतने हैं, उनका शासन से कोई या प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। हम लोगों की फसल जो खाए जा रहे हैं, रात रात हम लोग बचाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई गौशाला की व्यवस्था नहीं है, और जिसमें पशु बंद किए जाएँ, और हम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। रात रात बचाते हैं फिर भी फसल खाए जा रहे हैं। हम लोगों जो फसल खा जाए तो लड़के बच्चे क्या खाएंगे, अनाज नहीं पैदा होगा, इसलिए बहुत किल्लत है। प्रशासन ने और शासन कोई सुन नहीं रहा, इसमें हम चाहते हैं इसकी हम लोग अगर नहीं, जब तक यहाँ हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसोहा सुमई में जो है इसमें
सभी पशुओं को बंद किया है और सारे किसान बैठे हैं जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं हो जाता। ग्राम सभा में कोई भी गौशाला नहीं है और गौशाला ना होने की वजह से हम किसान भाइयों के सारे खेत चर चुके हैं और रात रात भर लोग बचाते हैं, उससे बीमार हो गए हैं, कुछ लोग अस्पताल भी जा चुके हैं। और जब तक हम स्वास्थ्य केंद्र सुमय पशुहा में बंद किए हैं जानवरों को, जब तक कोई शासन द्वारा निराकरण नहीं होता तब। खबर गाजीपुर से है जहां माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पर मुख्तार के वकील का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने अदालत के फैसले पर बयान देते हुए कहा कि हम न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मुख्तार के वकील ने कहा कि MP MLA कोर्ट के फैसले को हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। गौरतलब है कि गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने मुख्तार को 10 वर्ष की सजा दी है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 1996 में गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर केस के मामले में MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार और उसके गुर्गे भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। देखिए, ये थाना कोतवाली गाजीपुर का ये मुकदमा था। 1996 में मुख्तार अंसारी BSP पार्टी के जिला अध्यक्ष थे गाजीपुर, और वो गाजीपुर से अपने घर जा रहे थे मोहम्मदाबाद, और लंका बस स्टैंड के पास 1996 में तत्कालीन एडिशनल SP गाजीपुर श्री उदय शंकर जायसवाल उनकी गाड़ी पर अचानक AK-47 से फायरिंग करने लगे, जिसमें कि दो सिपाही साहब यादव और उदय उमाशंकर सिंह जेल के सिपाही घायल भी हो गए थे। मुख्तार अंसारी की टायर में गोली लगी थी, वो टायर उनका जो है पंचर हो गया। शाहजहांपुर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करके फूड का सैंपल भरने चीफ फूड इंस्पेक्टर को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल कयूम कुरैशी नाम का मीट कारोबारी ने मीट का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया था। लाइसेंस जारी करने की एवज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के चीफ फूड इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने 12,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता 10,000 पहले दे चुका था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बरेली की विजिलेंस टीम से शिकायत की थी। फिलहाल बिजनेस की टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार करके बरेली एंटी करप्शन कोर्ट ले गई है। देखिए, हमारे मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष कयूम कुरैशी का जो था मीट का लाइसेंस आवेदन किया था आज से 3-4 महीने पहले, जिसके लिए इसने काफ़ी पैसों की डिमांड की। क्योंकि शाहजहांपुर में जितना भी खाद्य विभाग से जितना संबंधित हैं, तेल की दुकानें, जितनी भी दुकानें, सबसे इसके पैसे बंधे हुए हैं। खासकर यहां पर जो शाहजहांपुर में मीट की दुकानें हैं, अवैध तरीके से चलवा रहा है और पैसे लेकर के अवैध तरीके जानवरों का भी कटान करा रहा है। कयूम कुरैशी ने जो है एक आवेदन दिया, जो मेरे संगठन के मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने आवेदन किया तो इसने कहा कि मुझे पैसे 22,000 रुपये दीजिए, तब हम इसका देंगे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के एक निजी होटल में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक का शव होटल की रसोई में पड़ा मिला। होटल की रसोई में शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहाँ दावत फावत खाई ने वहीं पे खत्म है गई, वहाँ मिले किचन में। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। हाँ, कहाँ, मतलब कौन सा थाना? गवाना। बन्ना देवी गवाना। सिंपल सिंह। अच्छा, ये क्या क्या मामला हुआ था, क्या बात? कल शाम दावत खाने आए जी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। दावत थी? रॉयल में थी। रॉयल रेड हिल्स। हाँ, आपको क्या सूचना मिली? सुबह जब सफाई हुई है, जब वहाँ से जानकारी हुई है। तो ये कहाँ मिली थी, किस अवस्था में? किचन में मिले थे हमें। अच्छा, फिर कहीं लेके उपचार के लिए? नहीं नहीं कहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने 15 दिसंबर को काली रात के रूप में मनाकर कैंडल मार्च निकाला है। वहीं छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन के बाद AMU में छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस किए जाने की मांग की है।
जानकारी देते हुए छात्र नेता आरिफ ने कहा कि 15 दिसंबर वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान मौजूदा सरकार के निर्देशों पर जो पुलिस व प्रशासन ने छात्र छात्राओं पर लाठियां चलाई थी, जिसके बाद कई छात्रों ने अपने हाथ तक गवा दिए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त एएमयू की सड़कों पर सिर्फ खून ही दिख रहा था। मार्च है एक 2019 में 15 दिसंबर सबको याद है, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया जेएनयू बीएचयू जिस तरह से पुलिस ने और प्रशासन ने और हुकूमत ने अपनी तानाशाही दिखाई थी। 3 साल से कंटिन्यू हम गम का दिन बना रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट और हमारी इस यूनिवर्सिटी के बच्चे और इदारों के बच्चों पर जुल्म पुलिस प्रशासन का हुआ था। यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के इस बाबे सैयद को तोड़ के पुलिस ने बेरहमी से बच्चों को मारा था। ये दिन हम कभी ना भूले थे ना भूलेंगे और इसका हम एहतजाज हमेशा करते रहेंगे। बस हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि जिन बच्चों के ऊपर जुल्म किया वो तो खैर हम भूलने से रहे, लेकिन इनके मुकदमों को वापस किया जाए और उनको पीसफुल लाइफ जीने का आगे का मौका दिया जाए। मेरा नाम जैद शेरवानी, फॉर्मर कैबिनेट रिसर्च स्कॉलर सोशल। चंदौली में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क चिकित्सा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर निशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा आयुर्वेद की उपयोगिता और योग वेलनेस के द्वारा योग की उपयोगिता के बारे में बताया गया, साथ ही मरीजों को दवा का वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सूबेदार मिश्र, डॉक्टर युगल किशोर पांडे, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर जगत नारायण दुबे तमाम लोग मौजूद रहे। के रूप में करते हैं, जो भी हम खाद्य सामग्री खाते हैं उनका आयुर्वेद से क्या रिलेशन है। जैसे कि जितने भी ये छोटे बच्चे हैं इनको हमारे यहाँ स्वर्ण पाषाण का प्रयोग किया बंटवारे में बांटा जा रहा है और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को स्वर्ण पोषक दिया जा रहा है और तमाम ढंग के जितनी भी अभी पिछले कोरोना काल में भी हम लोगों ने आयुष किटों का वितरण किया था और इवन डेंगू में भी हमने गिलोय और संसनी वटी का बहुतायत प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं